युवराज, यहाँ के अधिकांश घायलों को छावनी में ले जाया गया है और इतने लोग हैं कि एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। अब आप अपनों के समाचार लें, वो कैसे? अपनों के? यहाँ कौन पर आए? सभी तो अपने। आपको महल जाना चाहिए युवराज, वहाँ सबको आपकी आवश्यकता होगी। अरे वहाँ का क्या हाल होगा? महाराज, माँ देवी, गोपा, राहुल, युवराज, सिद्धार्थ, काकश, आप चेष्ट, ये सब तुम बताओ सिद्धार्थ, तुम कैसे हो? मार्ग में तुम्हारी बांदुल से मुठभेड़ तो नहीं हुई? नहीं काकश, मैं तो पहाड़ों के मार्ग से मगध पहुंचा था। यदि मुझे तनिक भी आभास होता है प्रसन्नजीत इस तरह से। सब कुछ अचानक हुआ युवराज, और वो भी दो दिशाओं से आक्रमण, इसीलिए हमारी सेना बढ़ गई। शाक्यों की तलवारें अधिक नहीं थी किंतु बलहीन भी नहीं थी। यदि आक्रमण एक ओर से हुआ था तो कौशल की पराजय निश्चित थी। हम सब तो साथ थे सिद्धार्थ, परंतु तुम अकेले, इसीलिए महल चिंतित था। आप तो जानते हैं काकश जी, मैं युद्ध रोकना चाहता था, इसीलिए तो प्रस्ताव लेकर मगध गया था। वो तो महाराज बिंबिसार के संदेश के कारण प्रसन्नजीत रुक गया, अन्यथा। काकश, मां, काकी मां, सब कहां हैं? सुरक्षित हैं, सारा महल सुरक्षित है सिद्धार्थ। और महाराज? दत्त, महाराज कहिए काकश, क्या हुआ महाराज को, बताइए काकश। घायल पर सुरक्षित है सिद्धार्थ। ऐसा कुशल देखकर मुझे प्रसन्नता हुई पुत्र। कपिल वस्तु का सम्राट सुरक्षित है। अब कपिल वस्तु फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अच्छा पुत्र की तुम यहां नहीं थे, परंतु मुझे खेद कि मैं यहां क्यों नहीं था, अन्यथा मैं युद्ध होने नहीं देता पिताजी। नहीं पुत्र,
खेत तुम्हें नहीं, खेत मुझे है। अश्वमेघ के युद्ध में प्रसन्नजीत का शिरच छेद कर दिया होता तो ये युद्ध ही नहीं होता। राजनीति में एक गलत निर्णय। वो निर्णय गलत नहीं था पिताजी, उस युद्ध में हमारी विजय उस निर्णय पे आधारित ही थी। नहीं युवराज, जिस तरह जंगल के प्राणियों के अपने राजनीति है, जो बलवान वही जीतता, उसी तरह राजनीति भी एक जंगल है, जो बलवान वही जीतता है। सांप पालतू नहीं होता, फिर भी पालो और काटे तो दोष सांप का नहीं, पालने वाले का होता है पुत्र, पालने वाले का होता है। एक युद्ध और चारों ओर दुख का साम्राज्य छा गया। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ और। सत्य कहा आर्य आपने, अभी कल की ही बात है, कभी सोचा ना था कि इतनी जल्दी ये बात हो जाएगी। आपने पूछा नहीं आर्य कि क्या हुआ। ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूं। कल राहुल पहली बार घुटनों के बल चला और फिर रोने लगा। जब मैंने उसे पुकारा तो यूं हाथों के बल सर उठाकर मुझे देखने लगा और फिर हंस पड़ा। आपके पुत्र के हाथों में बड़ी ताकत है, बिल्कुल आप ही की तरह। हाँ, बड़ी ताकत और आयु के साथ वो और बढ़ेगी, हाथ और शक्तिवान होंगे, तलवार थामेंगे और फिर मनुष्य होकर भी वो मनुष्य का सर काटेंगे या कटवाएंगे। ये क्या कह रहे हैं यार, अपने राज्य की रक्षा करना धर्म नहीं? मैं इस धर्म में नहीं मानता, सच कहूं तो मैं ईश्वर को भी नहीं मानता। ये क्या अनर्थ बोल रहे हैं यार। हाँ गोप, होता ईश्वर तो ये भयानक विनाश नहीं होने देता। क्यों मनुष्य को जन्म देकर दुख के मार्ग दौड़ाता, क्यों मनुष्य की आंखों में शत्रुता का विष भरता और अहम का तांडव रचता, क्यों वो विकारों के पीछे मन को भटकाता, क्यों ये युद्ध होता और प्राणों की आहुति दी जाती, क्यों सरहदों के विस्तार को क्षत्रिय प्रगति का नाम देते, क्यों वेद और पुराण शूद्रों के लिए निषेध होता। तुम कदाचित ही मानो गोपा, पर एक उपवन में जितने पुष्प उगते हैं उससे अधिक शवों को देखकर आया हूं मैं।
नहीं चाहिए मुझे राजपाट, नहीं बनना मुझे राजा, मुझे केवल दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। युवराज सिद्धार्थ पधार रहे हैं। युवराज सिद्धार्थ की जय। 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 मुझे दुख है, जब आप सब लोग ये सह रहे थे तब मैं यहां उपस्थित नहीं था, क्षमा करें मुझे। इसमें दुखी होने की क्या बात है युवराज सिद्धार्थ, हमें तो प्रसन्नता है कि आप राजा बिंबिसार के हाथ में। हाँ युवराज, अब हम मगध नरेश की सहायता से उस प्रसन्नजीत का सर उसके धड़ से अलग कर देंगे। राजा तपोधन, तलवार के साथ हाथ भी कट गया, फिर भी युद्ध की बात। तो क्या हुआ युवराज, हम क्षत्रिय हैं, हम पूरा युद्ध करेंगे और इस बार युद्ध में हमारी पराजय नहीं विजय होगी। उस प्रसन्नजीत ने मित्र बनकर शत्रुता का काम किया है और शाक के कभी धोखे को क्षमा नहीं करता। प्रसन्नजीत का तो शिष्य भोगकर रहेगा। फिर संहार, फिर रक्तपात, फिर प्रजा में हाहाकार, फिर नगर उध्वस्त, फिर अहम का तांडव और मनुष्यता का परिहार। अपनी प्रजा, अपने माता पिता को घायल देखकर आपका रक्त नहीं खोलता, पीड़ा नहीं होती, शत्रु को समाप्त करने का क्रोध नहीं जागता। अवश्य आता है क्रोध, पर शत्रु पर नहीं, उसके भीतर जगी शत्रुता को समाप्त करने का जी चाहता। हमें युद्ध से कुछ प्राप्त नहीं होता ये जानते हुए भी, और पराजित होकर शाक्य जी नहीं पाते। उस बीते कल की सोच को बदलो, आने वाले कल के बारे में सोचो। सर्जन को सदियों लग जाते हैं और विसर्जन को एक पल। अपने विचार अपने तक ही सीमित रखिए युवराज, हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस चाहिए। इस कपिल वस्तु को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और स्वाभिमान वापस चाहिए युवराज, वापस चाहिए, वापस चाहिए। क्या होता है स्वाभिमान, क्या स्वाभिमान से होती है प्रतिष्ठा? ऊंच नीच, जात पात, वर्ण धर्म, सत्ता अधिकार सब मानव निर्मित है। कहो, ये धरती, ये आसमान, ये पेड़ पौधे सब किसके हैं? हमारे, हमारे पूर्वजों के। और यदि उनसे प्रश्न करें तो वो क्या कहेंगे? उनके पूर्वजों के। और अंत में हमें यही उत्तर मिलेगा, किसी के नहीं। जो वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं, उस पर अधिकार की भावना क्यों? ये युद्ध क्यों? युद्ध से कुछ नहीं मिलता, और शांति से? शांति की बात करोगे युवराज तो युद्ध होगा इसी सभा में। आप सब मगध की सेना की सहायता से युद्ध करोगे, तो मैं उस सेना को अभी मगध वापस लौटने का आदेश दे देता हूँ। युवराज, आपका ये कथन शाक्य गणतंत्र के विरोध में है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं हो सकता। सेनापति, मतदान इसी समय होना चाहिए। हाँ हाँ, इसी समय होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। जो राजा युवराज के शांति प्रस्ताव के पक्ष में है वो इनके साथ रहे।
महाराज शुद्धोधन यहां होते तो वो भी युद्ध के पक्ष में ही होते। राजनीति भी एक जंगल है, जो बलवान वही जीतता है। युवराज तारा शाह के संग युद्ध के पक्ष में, अब निर्णय आपको करना है कि आप इनके पक्ष में हैं या नहीं। युद्ध के पक्ष में मैं कल भी नहीं था और आज भी नहीं। यदि आप शाक्य संघ के पक्ष में नहीं है तो आपको अपने सभापद से त्याग करना होगा। रोको, कौन हो भाई? गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का दंड सुनाया जाता है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अगर आपके बाद असत्य बोलू तो मेरे अनाज और खेत सब आपके। महाराज गौरी को क्षमा कर दीजिए, अब से वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। महाराज मैं नगर छोड़ दूंगा और जाने से पहले एक बार युवराज सिद्धार्थ से मिलना चाहता हूँ। आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, आपका विश्वास बना रहे इसलिए मैंने किसी भी तरह का लालच न करके कोई भी छल कपट नहीं किया। वैश्य गोरी? हाँ जी हाँ युवराज, वही वैश्य गोरी जिसे सारे नगर ने अपराधी घोषित किया, पर आपने मेरी सहायता की, मुझे जीने का अवसर प्रदान किया। तुम तो नगर छोड़कर चले गए थे। जी युवराज, वो झूठे अपराध का दंड था, झूठी मोहर लगाकर किसी ने मेरी बलि देनी चाहिए थी, पर अब गिरे दूध पर क्या रोना। तो अब तक तुम कहां थे? वैशाली चला गया था युवराज, शरीर वहां और हृदय यहां। युद्ध पश्चात कपिल वस्तु के बारे में सुना तो दुख बांटने चला आया। युवराज परिश्रम से मैंने धन अर्जित किया है, कृपया इसे स्वीकार करें। युवराज कृपया इसे स्वीकार करें। यहां से तुम कहां जा रहे थे? कभी न्याय प्रणाली ने मुझे नई नगरी में अन्न न देने का अपराधी ठहराया था, आज उसी नई नगरी में अन्न बांटने जा रहा था युवराज। नई नगरी? हाँ। आपका दारुण कर रहा था, राज्य के सैनिक इसके भाई को कहीं ले गए किसी नई नगरी में। क्या तुम मुझे अपने साथ नई नगरी ले चलोगे? मैंने आज तक उसे नहीं देखा। युवराज हमें महल जाना चाहिए, महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ चन्ना, वहां से हम सीधा महल ही जाएंगे। पहले हम नगर के उस हिस्से को तो देख ले जो आज तक हमने नहीं देखा। चलो गौरी। युवराज तुम भी चलो। चन्ना चलो चलो।
ये सब हम क्या देख रहे चंद? ये सभी अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल भोग रहे हैं युवराज। कर्म फल? पर कर्म फल से तो मनुष्य धनिक बनता है या दरिद्र, ये सुना? पर ये मनुष्य क्या, क्या ये भी कर्म फल का परिणाम है? नहीं युवराज, ये जरावस्था, वृद्धावस्था जो अमीर और गरीब सभी के जीवन में आती है, वृद्धावस्था धनिक और निर्धन में भेद नहीं करती। तो क्या सब इस अवस्था से गुजरते हैं? मैं भी, तुम भी? हाँ युवराज, जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य आयु के अंतिम चरण में इस अवस्था से गुजरता है। जब यौवन समाप्त होता है, जब इंद्रियां साथ नहीं देती, बचपन, युवानी और वृद्धावस्था, यही जीवन के क्रम है। वृद्धावस्था? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए! क्यों मार रहे हैं आप इसे? नहीं युवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? युवराज, ये रोगी है, लोग इसे छूते नहीं। और रोग तो मुझे भी हुआ था और सबने मुझे छुआ भी था। पर वह साधारण रोग था युवराज, ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग? तो क्या ये भी सबको होता है? नहीं युवराज, पर इन जैसे कई रोग हैं जिनसे मनुष्य घिर जाता है। कर्म फल से दरिद्रता मिलती है, कर्म फल से मनुष्य रोगी होता है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे कर्म फल को बदला जा सके, जिससे संसार के सारे दुखों को हम मिटा सके, जिससे यौवन और धन चिरंजीवी हो जाए? कैसे होगा चिरंजीवी जब तक तुम जैसे जन्म लेते रहेंगे? ले चल, चल कर दिखा इस पर। ये क्या कर रही हो तुम? जानती नहीं किससे बात कर रही हो? ये हमारे युवराज। जानती हूँ, इसीलिए फेंके हैं। जीवन भर इसके फेंके हुए अंगारों पर चले हैं हम, अब ये चलेगा। अपने जीवा पर काबू रखो, तुम युवराज से बात कर रही हो। क्या अपराध है मेरा? क्या किया है मैंने? अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी, इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश के बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बसाई तेरे कारण। ये तेरा अपराध है। पर ऐसा क्यों? अरे कोई दुख तेरे आंखों के सामने नहीं आए और तू बैरागी ना बने इसलिए। हम सब तो अपने आंसुओं में डूब गए केवल तेरे कारण। तू जानता भी है इस नगरी के लोगों ने किसका मंदिर बनाया है? यम का मंदिर बनाया है ताकि वो प्रसन्न हो और हमें इस यातना से छुटकारा मिले। मनुष्यता का कितना बड़ा उपहास। चन्ना, क्या मेरा जन्म सच में इतना कलंकित? युवराज, ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। अगर विश्वास न हो तो जाकर पूछो अपने राजा पिता से, उसका अभिमान और बलि चढ़ गए हम
सत्य राम नाम 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 सत्य कहिए महाराज और कितने भेद छिपाए आपने ना मुझे मेरी मां के विषय में बताया ना नई नगरी के बारे में एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि जब आपका पुत्र बड़ा होगा और जानेगा उसके कारण कितने लोग बेघर हो गए कितने लोगों को नगर बाहर निकाल दिया गया था तो वो क्या सोचेगा क्या कभी वो स्वयं को क्षमा कर पाएगा क्या उसे अपने जन पर खेद नहीं होगा भविष्य को उन्नत बनाने के लिए वर्तमान का बलिदान देना ही पड़ता है अब तुम सम्राट बनोगे तो न जाने कितने लोगों के घर बसाओ उन्नति लाओगे एक योग्य राजा भाग्य से मिलता है प्रजा को और मैं तुम्हें राजा ही बनाना चाहता था और एक योग्य राजा देने की इच्छा आप बुरे शासक बन गए पिताजी पूरी एक पीढ़ी को नरक भेज दी सिद्धार्थ इन्होंने जो किया वो इसलिए किया कि दुख तुम तक ना पहुंचे पर दुख तो पहुंच ही गया ना मां उन सबके दुखों का बोझ मैं अपने कंधों पर उठाकर चल रहा हूं अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है तेरे लिए आगाही हुई थी तू सम्राट बनेगा या सन्यासी इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र रोगी दुखी वृद्ध लोगों को देश के बाहर किया उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बसाई तेरे आर्य आर्य मैं राजा बनना नहीं चाहता गोपा में ये क्या बात कर रहे हो किस विपदा से घिरे हो आर्य इतने विचार दिए कि दो बार पुकारने पर उत्तर भी नहीं दिया मेरे प्रश्न ही अब मेरे लिए यम बन रहे हैं न जाने वो कब मेरी सांसें घोट दी क्या हुआ ऐसी क्या घटना हुई न जाने मेरे आसपास असत्य की कितनी परतें जो एक के बाद एक खुलती जा रही जब सब खेल रहे थे तब मुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी मुझे बाहर जाने क्यों नहीं थी वो सत्य आज उजागर हुआ जब मैंने जन्म लिया मेरी मां केवल 7 दिनों में यमाधीन हो गई मेरे जन्म के साथ
असित मुनि ने मेरे सन्यासी बनने की भविष्यवाणी की और मैं सन्यासी ना बनूं, इसीलिए नई नगरी बनी और आज मैंने वो भी देख ली, दुख की चरम सीमा भी देख ली, निर्धन रोगी व्रत मृतक निर्धन और धनी का कर्म चक्र, जन्म और मरण का निरंतर चक्र, मृत्यु सभी को आनी है को, चाहे वो निर्धन हो या धनी, वृद्धत्व किसी को नहीं छोड़ता, ना ब्राह्मण को ना क्षत्रिय को ना वैश्य को ना शूद्र को। मैंने उन वृद्धों की झुरियों में लिखे दुखों को पढ़ लिया है को, और अब स्वयं अपने ही जन्म को कोसने लगा। यदि जीवन ऐसा है तो ऐसे जीवन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, सोच को इतनी सीमित ना बनाओ हरे कि दुख के आगे देख ना सको। आपने जीवन के बारे में जाना पर ये क्यों भूल गए कि जीवन में प्रेम भी है और विश्वास भी। स्नेह से सारी पीड़ाएं नष्ट होती हैं। माना कि दुख से जीवन में संघर्ष है पर प्रेम दुख पर भारी है। देखो मेरे जीवन में आप हो, आप मुझसे स्नेह करते हो और मैं आपसे, और यही प्रेम दुखों से संघर्ष करने की शक्ति देता है। मैं जब भी उदास होती हूँ राहुल का चेहरा देखती हूँ और फिर दुख दिखाई ही नहीं देता। स्नेह और विश्वास सृष्टि की नींव है। कहाँ जा रहे हो आर्य? राहुल को देखने। हाथ फैलाओ तो तुम्हें छू सकती हूँ, फिर भी क्यों लगता है कि तुम दूर हो? तुम्हारे पास पर जा रहा हूं, बहुत जल्द लौट आऊंगा। सिद्धार्थ, अरे सिद्धार्थ हमें छोड़कर मत जाओ सिद्धार्थ। अरे अरे
आप यहाँ आ रहे, ये क्या हुआ? घुपैया तड़प रहा, कदाचित प्यासा है। कब से मैं इसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, चिल्लाता है पर पानी नहीं पीता। ये पानी नहीं पिएगा आज। क्या, क्यों नहीं पिएगा? कहते हैं पक्षियों में भी मनुष्य के समान प्रेम भावना होती है, एक के बिना दूजा जीवित नहीं रह सकता। नर ने वहां प्राण त्याग दिए, तो ये मादा भी अपने प्राण दे देगी। विरह ये सह नहीं पाते और एक के बिना दूजा जीवित नहीं रहता। इनके बीच प्रेम का ही अटूट बंधन है। अर्थात प्रेम की चरम सीमा भी दुख है। कदाचित परिभाषा भी दुख। प्रेम अर्थात अप्रत्यक्ष दुख, केवल दुख। बोलो गोप, एक दूसरे से इतना प्रेम कि सृष्टि ईर्ष्या कर और हम तुम कह रही थी कि प्रेम दुख से परे, गोपा पर मैं कह रहा हूं प्रेम की चरम सीमा भी दुख है, सुख क्षणिक है, दुख सर्वोपरि, प्रेम भ्रम है और विरह सनातन है। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।